पीलीभीत में बैंक के कर्ज को चुकाने के लिए अंग बेचने पहुंचा किसान। भूमि विकास बैंक के कर्ज से परेशान होकर किसान सीएचसी बच्चों के साथ पहुंचा अंग बेचने। पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव कुरैया खुर्द कला निवासी अजीत सिंह पुत्र पृथ्वीराज सिंह अपने दो मासूम बच्चों के साथ सरकारी अस्पताल पहुंचा। वहां मौजूद डॉक्टर व अन्य लोगों से अपने अंग बेचने की जानकारी करने लगा। अस्पताल में खड़े लोगों ने पूछा कि आखिर अंग बेचकर क्या करोगे, तो उसने बताया 2004 में मेरे पिता पृथ्वीराज सिंह ने पशुपालन के लिए भूमि विकास बैंक से ऋण लिया था। पिताजी की मृत्यु हो गई और 1.5 एकड़ जमीन है वह भूमाफिया कब्जा करे हुए हैं। 3.5 एकड़ जमीन बची है, उसमें गेहूं लगाया जिसको आवारा पशुओं ने बिल्कुल जड़ से खा लिया है। हर दूसरे तीसरे दिन भू विकास बैंक के फील्ड ऑफिसर अन्य लोगों के साथ घर पर आकर बेइज्जती करते हैं। ऋण को लेकर काफी मानसिक तनाव रहता है, इसी के चलते किसान अजीत सिंह काफी तनाव में रहता है। ये अस्पताल में मैं अंग बेचने के सिलसिले में आया हूँ। अंग इसलिए मुझे बेचना है क्योंकि मुझे सरकारी ऋण अदा करना है LDB बैंक पूरनपुर का। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, जमीन मात्र मेरे पास में 1.5 एकड़ है, उस पर भी माफिया लोगों को कब्जा है, तो इन परिस्थितियों में अंग वो कहाँ से ऋण जमा करेंगे। तो उसमें ये है कि अगर हम ठेके पर उठाते हैं बटाए बटाए, जब कब्जा आधा पड़ता है उसमें कब्जा ठेके पर, वो कौन लेगा जमीन। दूसरी बात ये है ये अंग बेच करके हम वहाँ उनका दे देंगे, छुटकारा पा जाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो आप कुरिया के रहने वाले हैं। जमीन पर कब्जा किसने कर रखा है? जमीन पे कब्जा कर रखा है जोगिंदर सिंह सना साहिब सिंह ने। शिकायत नहीं की आपने? 37 डिसमिल का कब्जा उस पर। शिकायत नहीं की? शिकायत की गई है, फिर कार्रवाई नहीं हो रही, पैसे पहुँच जाते हैं शासन प्रशासन में। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।